हेलो बेटा, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे अपना। फोर ब्रेन हम कर चुके हैं, आज का टॉपिक है मिड ब्रेन। बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन। बहुत छोटा है आपके पास, मिड ब्रेन स्मॉल है। कंसिस्ट ऑफ टू हैवी फाइबर ट्रैक्ट, मतलब फाइबर्स के, नर्व फाइबर के ट्रैक्स हैं यहाँ, जिन्हें हम नाम देते हैं सेरिब्रल पिडंकल्स या क्रूरा सेरिब्राई भी उन्हें नाम दिया जाता है, वेंट्रल साइड में। ऑन टू स्वेलिंग्स, और उन्हीं के दो साइड वाले रीजन में, एक यहाँ और एक यहाँ, दो स्वेलिंग्स हैं जिसे हम नाम देते हैं सुपीरियर एंड इन्फीरियर कॉलिकुलाई। सुपीरियर एंड इन्फीरियर कॉलिकुलाई ऑन ईच साइड ऑफ द डॉर्सल सर्फेस, द सुपीरियर एंड इन्फीरियर कॉलिकुलाई ऑफ ईच साइड आर नोन एज। सुपीरियर और इन्फीरियर जो कॉलिकुलाई हैं, हर एक साइड में उन्हें नाम दिया जाता है कॉर्पोरा बिगमैनिया, एंड ऑफ बोथ साइड एज कॉर्पोरा क्वाडरिजेमिना। जो सेरिब्रल पेडंकल हैं वो कनेक्ट कर रहे हैं हिंड ब्रेन को फोर ब्रेन के साथ। आइटर, आइटर क्या है आपके पास, एक छोटी सी कैविटी है, नैरो सी कैविटी है आइटर, जिसे सेरिब्रल एडिक्वेट भी नाम दे देते हैं, जो आपके पास एक्सटेंड करती है मिड ब्रेन से और कनेक्ट करेगी वो थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को। ठीक है जी, थर्ड वेंट्रिकल कहाँ था आपका, डाइमसेफेलोन में, और फोर्थ वेंट्रिकल है आपका मेडुला ऑब्लिगेंटा में, उनको आपस में कनेक्ट करती है। देन आपके पास फंक्शंस की अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, तो फंक्शंस ऑफ कॉर्पोरा क्वाडरिजेमिना अगर हम बात करें तो सुपीरियर कॉलिकुलाई कंट्रोल करेगी रिफ्लेक्सेस ऑफ आयरिस एंड आईलिड्स। आईलिड्स और आयरिस के जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन है, रिफ्लेक्स फॉर्म है, उन्हें ये कंट्रोल कर रही है। देन इन्फीरियर कॉलिकुलाई एनालाइज एंड रिले सेंसरी इंफॉर्मेशन। जो इन्फीरियर कॉलिकुलाई है वो एनालाइज करेगी, उसके ऊपर काम करेगी, और रिले, रिले मतलब एक से दूसरे के पास सेंड करना, सेंसरी इंफॉर्मेशन को भेजेगी कमिंग फ्रॉम द ईयर्स टू द सेरिब्रम। जो ईयर के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन आई है उसे सेरिब्रम, सेरिब्रम मतलब सेरिब्रम हेमिस्फीयर तक भेजेगी। देन है फंक्शंस ऑफ क्रूरा सेरिब्राई, दे कैरी सेंसरी इम्पल्सिस फ्रॉम द मेडुला ऑब्लिगेंटा। ये मेडुला ऑब्लिगेंटा से सेंसरी इंफॉर्मेशन, सेंसरी जो इम्पल्स है उन्हें कलेक्ट करेंगे, एंड स्पाइनल कोड टू थैलेमाई, और स्पाइनल कोड से थैलेमाई। थैलेमाइन कहाँ पड़ा था हमने, थैलेमाई पार्ट आया था डाइमसेफेलोन के, जो फ्लोर वाला रीजन था वो था हाइपोथैलेमस। ठीक है, जो रूफ वाला पोर्शन था वो था एपिथैलेमस, और जो उसका साइड वाला लिटरल वाला रीजन था वो था थैलेमाई। वहां से वो इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो इम्पल्सेस है उन्हें वो कैरी करती है। इफ वी सी दिस चार्ट, दिस इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में तीन पार्ट आपके, ऑल्फैक्टरी लॉब, सेरिब्रल हेमिस्फीयर और डाइमसेफेलोन, मिड ब्रेन। ठीक है, इसके बाद हमें करना है हिंड ब्रेन, जिसमें हम तीन पार्ट्स करेंगे, पोन्स वेरुलाई, मेडुला ऑब्लिगेंटा एंड सेरिब्रम।